कोटा में घर वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे बिहार के छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में छात्रों, कोचिंग संचालकों और हॉस्टल मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि बिहार के हजारों छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। वे घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने छात्रों को वापस बुलाने से इनकार कर दिया है। नीतीश सरकार का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां है वहीं रहने में सबकी भलाई है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम समेत कई राज्य कोटा से अपने छात्रों को वापस बुला चुके हैं। ये हमें 8-9 बजे के लगभग सूचना मिली थी लैंडमार्क से। सीआई साहब और जाप्ता पहले से ऑलरेडी गश्त में लॉकडाउन की ड्यूटी में मौजूद थे। उस वक्त हमें भी सूचना मिली थी, सीआई साहब गए थे, हम भी गए थे, काफ़ी और भी पुलिस लाइन से जाप्ता आ गया था, उच्च अधिकारी भी आ गए थे। और सेमने के बिल्डिंग के सामने बिहार के कुछ लड़के और लड़कियां इकट्ठे होकर ये कह रहे थे बिहार सरकार के खिलाफ कि सभी जिलों, सभी स्टेटों के छात्र यहाँ से चले गए, लेकिन बिहार सरकार हमारी कोई सुध नहीं ले रही है। इसलिए हम परेशान हो रहे हैं, हमारे माँ बापों से मिल नहीं पा रहे हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों ने उनको समझाइश भी की, समझाइश करने के बाद में वो चले गए हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते इस प्रकार एकत्रित होना उनका कृत्य सही नहीं था। इस संबंध में थाना पर एक मामला भी दर्ज किया है, इसकी जांच चल रही है। ये एक तो बच्चों के और जैसे लैंडमार्क के जिस हॉस्टल में छात्र वगैरह रहते थे उनके खिलाफ दर्ज किया। हमारे संवाददाता रामस्वरूप लामरोड हमारे साथ जुड़ गए जयपुर से। रामस्वरूप, तो कोटा में जो बिहार के छात्र फंसे हुए हैं वो कई दिन से हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल भी की उन्होंने, मैसेजेस भी पहुंचाए और अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। किन धाराओं के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है? साथ ही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं और जो हॉस्टल के मालिक हैं उनके खिलाफ भी FIR हुई है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए, बाकी सभी राज्यों के जितने भी स्टूडेंट हैं वो अपने अपने घरों को लौट चुके हैं और सरकार ने जो है पड़ोसी राज्यों की सरकारों से संपर्क साध करके बसों की व्यवस्था की थी, सभी छात्रों को भेज दिया था। बिहार के छात्र जो है काफी दिनों से परेशान है क्योंकि बिहार सरकार अड़ी हुई है कि उनके जो छात्र है या मजदूर है, कोई भी व्यक्ति जो बाहरी जिलों में है तो वो अंदर नहीं आ सकते। इस तरह के वो अड़ियल रवैया बिहार सरकार अभी तक जारी है। छात्रों ने पिछले कुछ दिनों पहले भी जो है हॉस्टलों में जो है अपने बैठ करके गांधीवादी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था कि सरकार ये रुख नहीं अपनाए और जिस तरह से बाकी राज्य अपने छात्रों को मेडिकल जांच के बाद सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए जो बाकी जो सावधानियां जो बरतनी है वो बरतने के बाद में जो घर भेजने की व्यवस्था की जा रही है तो उनको घर क्यों नहीं भिजवाया जा रहा है, इस तरह की बात को लेकर के छात्र कई दिनों से परेशान है। पहले गांधीवादी तरीके से हॉस्टलों में धरना दिया गया, अनशन किया गया, खाना तक छोड़ दिया था, लेकिन बीती शाम को जो है छात्र काफी नाराज हो गए, इसलिए वो सड़कों पर बाहर आ गए थे। हालांकि उनको इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था, जिस तरह का लॉकडाउन लगा हुआ है, कई शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कह सकते हैं कि इस तरह का कदम अभी उठाना जायज नहीं है। लेकिन उनकी बात जरूर वाजिब है कि वो जो छोटे बच्चे करीब 12 से 20 साल की उम्र के जो लगभग किशोरावस्था के जो बच्चे हैं, जो 12th पास करने के, कोई 12th में पढ़ने वाले हैं, कोई 12th पास करने के बाद जो PMT की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अब बच्चे जो है पिछले एक महीने से अपने घरों में, हॉस्टलों में जो है वो कमरों में जो है कैद बैठे हैं। तो उनका कहना है कि वो अपने माता पिता के पास जाना चाहते हैं, अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन बिहार की सरकार है वो उन्हीं को परमिशन क्यों नहीं दे रही। हालांकि बाकी जगह हम देखते हैं कि बाकी जितने भी राज्य हैं उनके स्टूडेंट्स जो कोटा में रुके हुए हैं तो उन सबको अपने घंटे तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब जब लॉकडाउन लगा हुआ है तो लॉकडाउन का और कर्फ्यू का जिस तरह की धाराएं जो होती है तो उसके उल्लंघन के आरोप में छात्रों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जो इंस्टीट्यूट के संचालक हैं या हॉस्टलों के जो संचालक हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज पुलिस ने किया है। जी रामस्वरूप, क्योंकि जाहिर तौर पर जो बच्चे हैं, छात्र हैं वहां पर, उनको घर जाना होगा, महीना भर हो गया है, लॉकडाउन चल रहा है और कई दिन से उनकी मांग चल रही है, क्या इस FIR के बाद और इस मुकदमे के बाद राजस्थान सरकार और बिहार सरकार के बीच में कोई बातचीत हो रही है या होने वाली है इन बच्चों को वापस अपने घर भेजने के लिए? देखिए, बातचीत तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों जो है लगभग सभी राज्यों के जितने भी बालक यहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं कोटा में, तो उनके राज्यों से संपर्क किया है, तो बाकी सभी राज्य जो है तैयार हो गए, लेकिन एक तो बिहार, पश्चिम बंगाल, ये दोनों जो है तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि वो लॉकडाउन की सख्ती से पालना करेंगे, जो जहां है वो वहीं रहे, इस बात पर वो अड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से UP, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड जितने भी राज्य हैं उन सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करने के बाद में वहां आने की परमिशन दी है। उसके बाद में बाकायदा सभी को गाड़ियों जो भिजवाई गई बसों की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है, सभी बसों को सैनिटाइज किया गया और सोशल डिस्टेंस को अपनाते हुए, हालांकि
शुरुआत में देखा गया था कि गाड़ी में जो है जी छात्रों से भर गए, बाद में जो गाड़ियां भेजी गई थी उनमें डिस्टेंस रखा गया था कि एक सीट पे जो है एक या बैठे उसके बाद में गैप देकर के दूसरा स्टूडेंट बैठेगा। तो उस तरह की सावधानियां जो है वो बरतनी जरूरी थी, और बच्चों का जो बहुत दिनों से अपने घरों से बहुत दूर है तो उनको घर भी लौटना जरूरी था। इस तरह की बात एक कह सकते हैं कि मानवीय पहलू भी होता है, तो इस तरह की राहत सरकार तो लगातार जो है कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार सरकार का रवैया जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि वो छात्रों को वापस नहीं लाना चाहते हैं। शुक्रिया।